रुक करते हैं प्रदेश की ओर। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी में चैत्र मेले के दौरान दर्शनों के लिए आने वाले वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों एवं गर्भवती महिलाओं के लिए स्पेशल हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे तथा दर्शन करवाने के लिए वॉलंटियर और स्पेशल वाहन लगाए जाएंगे। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ नैना देवी में चैत्र मेले के दौरान दर्शनों के लिए आने वाले वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों एवं गर्भवती महिलाओं के लिए स्पेशल हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे तथा दर्शन करवाने के लिए वॉलंटियर और स्पेशल वाहन लगाए जाएंगे। ये जानकारी आयुक्त नैना देवी मंदिर एवं उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने 25 मार्च से 3 अप्रैल तक लगने वाले चैत्र मेला 2020 के प्रबंधों के लिए आयोजित बैठक में दी। अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि नैना देवी के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधाएं, सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता इत्यादि उपलब्ध करवाने के लिए जिला प्रशासन व मंदिर न्यास भरपूर प्रयास करेगा ताकि स्थानीय व बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि मेले के सफल आयोजन के लिए SDM स्वर्गघाट, मेलाधिकारी DSP पुलिस मेला अधिकारी होंगे जबकि तहसीलदार सह मेला अधिकारी व SHO सह पुलिस अधिकारी होंगे। उन्होंने कहा कि मेले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेला क्षेत्र को 9 भागों में विभाजित किया जाएगा जिनमें 5 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए कोई भी ट्रक, ट्रैक्टर एवं टेम्पो आदि सवारी लेकर नैना देवी में नहीं आएगा। उन्हें कैंची मोड़, टोबा एवं बाखड़ा में ही रोक दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बिना रूट के कोई भी बस या गाड़ी गवांडल में नहीं, बस अड्डे तक नहीं जाएगी ताकि श्रद्धालु आसानी से माता नैना देवी के दर्शन कर सकें। इस वर्ष भी श्री नैना देवी जी शक्ति पीठ में हमारा जो चैत्र नवरात्र का मेला आयोजित किया जाता है, इस वर्ष 25 मार्च से 3 अप्रैल तक 10 दिन जो है नवरात्रों में चैत्र के आयोजित किया जा रहा है। इसमें काफ़ी हजारों की संख्या में हिमाचल प्रदेश और समीपवर्ती राज्यों से श्रद्धालु यहां पर आते हैं। आज हमारी जो मेला के सफल संचालन और प्रबंधों के विषय में एक बैठक का आयोजन किया गया बिलासपुर में, जिसमें सभी हमारे संबंधित विभाग, SP साहब, SDM साहब, अन्य सभी जितने भी विभाग हैं उनके उच्च अधिकारी उपस्थित थे। साथ में हमारे जो मंदिर ट्रस्ट के जो न्यासी हैं वो भी उपस्थित थे। तो बैठक में विस्तृत चर्चा की गई। मेला क्षेत्र को 9 सेक्टरों में बांटा जाएगा। 6 हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए जा रहे हैं। SDM श्री नैना देवी जी मेला अधिकारी के रूप में कार्यरत रहेंगे और जो DSP हमारे नैना देवी जी हैं वो मेला पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। साथ में सहायक मेला अधिकारी हमारे SDM तहसीलदार स्वारघाट, जो कि टेंपल अफसर भी हैं, वो ये ड्यूटी देंगे और SHO कोर्ट जो है वो सहायक पुलिस मेला अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। पूरा जो है यातायात व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था के ऊपर विस्तार से चर्चा की गई। जो श्रद्धालु हमारे यहाँ आएंगे उनके जो है स्वास्थ्य के संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो हमारा स्टेट का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है और आयुर्वेदा विभाग है उनके जो जिला के अधिकारी थे उन्हें भी निर्देश दिए गए हैं। बाकी सेफ्टी ऑडिट के निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी हादसा ना हो और कोई आगजनी की घटना ना हो, इसके लिए विशेष रूप से IPH विभाग को कहा गया है कि वो फायर हाइड्रेंट की व्यवस्था करें, पेयजल शुद्ध प्रदान किया जाए, सुविधा दी जाए, इसके लिए भी आदेश दिए गए हैं। और इन सब के अतिरिक्त जो है हमारा अतिरिक्त पुलिस बल, होमगार्ड, वो सब तैनात किए जाएंगे और हर तरह से जो है पूरी जो हर वर्ष की भांति हमारे जितने भी मेले यहाँ पर श्री नैना देवी जी में आयोजित किए जाते हैं, वर्ष में 5 मेले आयोजित होते हैं, बहुत अच्छी तरह से किए जाते हैं। तो उसी प्रकार से मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि हमारा जो है ये मेला भी बहुत अच्छी तरह से आयोजित और संचालित किया जाए।